तो भाई आज हम आए थे यहाँ बजाज पे, बजाज उदयपुर, और आज हमें मिली यहाँ के लिए टेस्ट ड्राइव के लिए डोमिनार 2019। तो अभी इसकी एक राइड लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं क्या है, फिर बाद में आके इसकी जो जो इसमें स्पेसिफिकेशंस है वो आके बताऊंगा आप लोगों को। तो चलती है राइड पे। बैठो भैया बैठो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये आई है हमारे पास राइड रिव्यू यहाँ का, और इसकी साउंड पहले से तो बहुत ही बेटर हो गई है। जो पहले वाली डोमिनार है उससे बहुत ही बेटर साउंड है इसकी, और इसे चलाने में फील भी अच्छा आ रहा है क्योंकि ये थोड़ी सी बल्की लग रही है। और भाई बाकी पहले से वाइब्रेशन, आप कहेंगे ना वाइब्रेशन बहुत कम है बाइक में, तो बस। और एक जो इसके नए फीचर्स आए हैं, तो इसका रियर सस्पेंशन चेंज किया गया है, उसमें भी बहुत फ़ायदा है। ब्रेकिंग तो बहुत ही प्यारी हो गई है इस बाइक की, ऑल थैंक्स टू बजाज रुद्रपुर, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी एक ये बाइक की टेस्ट ड्राइव के लिए। बाकी ओवरऑल लुक इस बाइक का बहुत प्यारा है। बाकी जो इसकी एग्जॉस्ट में बेस आई है वो और ही बहुत प्यारी बेस आई है। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और पुरानी वाली डोमिनार में, बट ये वाली का जो अब कहेंगे ना एग्जॉस्ट नोट वो कुछ बेस में है, तो मतलब इट फील गुड। तो मैं और लॉन्ग रूट पे जाने का तो इसमें बहुत ही अलग मज़ा आएगा आपको। तो बस एक छोटा स्पिन लेना था हमें, ज़्यादा नहीं। तो अब देखते हैं थोड़ा इसमें क्या इसका वो है, बाकी चलते शोरूम पे और फिर बताता हूँ मैं आपको इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। ऑल्दो ये नई नई निकली है अभी शोरूम से, तो माइनर माइनर सी इसमें हल्की हल्की सी वाइब्रेशन है क्योंकि अभी फिटिंग प्रॉपर नहीं हुई है। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने कह के ये बाइक निकलवाई थी रिव्यू के लिए, बट ऑल्दो इट्स वेरी गुड। मतलब इसकी जो पोजीशन है, सीटिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया है और मतलब बहुत ही कम्फर्टेबल। आप 300-400 किलोमीटर आप आराम से किसी भी राइड पर ले जाएंगे ना, तो आप नॉन स्टॉप भी अगर आप चलाना चाहें आराम से चलाते हैं। इसकी सीट बहुत कम्फर्टेबल है और बाकी इसमें और भी फीचर दे रखे हैं, और वैसे देखने में तो वैसी मॉन्स्टर लगती है। बस छोटा स्पिन लिया, फिर किसी दिन आएंगे तो आपको और इसका माइलेज टेस्ट भी कराएंगे और इसका फर्स्ट गियर चैलेंज भी बताएंगे कि फर्स्ट गियर में कितनी जाती है। बाकी ऑल्दो जो इसका ओवरऑल मेरे को अच्छी लगी चलाने में, वो टोटली गुड, मज़ा आ रहा है इसके रिव्यू में। तो एक बार आप आए यहाँ पे रुद्रपुर, अगर आप आसपास से हैं, आप यहाँ टेस्ट ड्राइव मिलेगी आपको, और मेरे हिसाब से तो इट्स मच रेकमेंडेड बाइक। तो और बात करते करते हम यहाँ वापस भी आ गए हैं और देख रहे हैं आप सामने कितनी प्यारी लग रही है ये। ये इसके हाई बीम है, अगर आपको सामने शीशे में दिख रहा होगा, ये लो बीम में ऐसी लगती है और हाई बीम में कुछ ऐसी लगती है। और बाकी मैं एक बार आपको उतर के इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ कैसा है। बहुत ही बढ़िया लगा एग्जॉस्ट नोट तो इसका मेरे को, ये है इसका। पहले वाले से इसका बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बस बाकी अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड और बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ओके सो गाइस, फाइनली हो गया है एक टेस्ट राइड, मज़ा आ गया इसे चलाने में। अभी ऑल्दो मैंने गियर्स उतारे नहीं है क्योंकि क्या पता एक राइड और ली जाए और ये पीछे खड़ी है बीस्ट। मज़ा आ गया इसे, मतलब अल्टीमेट है, मच रिकमेंडेड बाइक है ये। तो बाकी आप आए यार उधर,
बजाज, यहाँ से आप टेस्ट ड्राइव के लिए कहेंगे तो ज़रूर आपको टेस्ट ड्राइव मिलेगी। और बाकी मेरी आज RS हो गई थी थोड़ी सी ख़राब, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ आए हैं अब, बस वर्कशॉप में खड़ी RS, फटाफट उसका काम कराते हैं और फिर निकलते हैं वापस काशीपुर के लिए। और वेरी थैंक्स टू रुद्रपुर बजाज जो उन्होंने मेरे को एक राइड के लिए जल्दी से जल्दी पॉसिबल कराई है बाइक। और अब आप इंजॉय करिए इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। ओनर आ गए हमारे साथ और थैंक यू सो मच भैया कि आपने यहाँ पे हमें एक राइड रिव्यू के लिए बाइक दी। तो भैया यहाँ के लिए आपका एड्रेस बताएंगे यहाँ का, तो आप आइए यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए, भैया से बाइक ले जाइए। और मेरे लिए मच रिकमेंडेड है कि आप आइए डोमिनार 2019, बहुत ही बढ़िया है, बाकी आपने देख ही लिया होगा। बाकी आप भैया बताएंगे आपको यहाँ का एड्रेस। रुद्रपुर में गोपाल बजाज के नाम से शोरूम है, काशीपुर रोड पे। तो आप जब काशीपुर से आएंगे तो फ्लाईओवर से जस्ट यू टर्न लेके आएंगे तो आपको सामने ही दिख जाएगा गोपाल बजाज, तो आइए ज़रूर आइए। ओके सो गाइस, ये है वर्कशॉप, ये पीछे है रियान भाई जो आज हमारी बीस को देख रहे हैं। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं वो भैया ने चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे अगर किसी को आसपास जहाँ जैसे काशीपुर में सर्विस नहीं है तो यहाँ आ सकते हैं और रियान भाई से आके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। तो थैंक यू रियान भाई सो मच, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अब हम आ गए KTM रुद्रपुर और अब यहाँ पे है कुछ सरप्राइज़, तो अगर जिसे ये सरप्राइज़ जानना हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। सो स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ और फिर दिखाएंगे ज़रूर कि KTM का स्पेशलिटी है क्या। ओके बाय बाय।